एक लड़की का मर्डर हुआ, तभी हमारे मेन कैरेक्टर ने उस लड़की को एक बार में देखा था। उसके बाद उसकी लाइफ में एक डिटेक्टिव आता है जो बहुत मिस्टीरियस था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन द कट, ये हॉलीवुड मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की खास बात यह है कि हर कैरेक्टर पर आप शक करते हो, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है फ्रैनी, ये हमसे इंट्रोड्यूस होती है। फ्रैनी अपनी सिस्टर के साथ बात कर रही थी। अपनी सिस्टर का नाम है पॉलिन। फ्रैनी एक टीचर है, एक बार में अपने स्टूडेंट से वो मिलने वाली थी। पॉलिन को लगता है कि फ्रैनी का स्टूडेंट उसे लाइक करता है। फ्रैनी ने उसे कहा, मेरा हर स्टूडेंट मेरे साथ फ्लर्ट करता है, ये कोई अलग बात नहीं। इसके बाद फ्रैनी और उसका स्टूडेंट कॉर्नेलियस ये कुछ सब्जेक्ट पर बात कर रहे थे। थोड़ी देर में फ्रैनी नीचे टॉयलेट के लिए जाती है, तभी वहाँ पर एक आदमी और एक लड़की इंटीमेट हो रहे थे। उसे बहुत ही इंट्रिगिंग लगा तो ये देखने लग जाती है। फ्रैनी ने उस आदमी के हाथों पर एक टैटू नोटिस किया। उसे बहुत वक्त लगा था तो उसका स्टूडेंट यहाँ से चला गया। इस बार का बिल फ्रैनी को ही पे करना पड़ता है। अगले दिन वो स्टूडेंट फ्रैनी की क्लास में नहीं था। क्लास खत्म होने के बाद वो उसे उसके बाहर के पैसे दे देता है। फ्रैनी कहती है, क्लासेस में आया करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉर्नेलियस एक्चुअल में फ्रैनी को लाइक करता है, पर फ्रैनी अपने स्टूडेंट के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। इसके बाद जब वो घर पर आए तो एक डिटेक्टिव उसका वेट कर रहा था। ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है मलॉय। अभी अभी फ्रैनी के अपार्टमेंट के सामने के गार्डन में एक लेडी की डेड बॉडी मिली थी। उसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मलॉय उसके घर पर आया हुआ था। उसे पूछता है, ये जिस रात मर्डर हुआ क्या तुमने कुछ सुना था? तुम्हें कुछ भी पता हो तो सब कुछ बता देना, छोटी छोटी डिटेल्स। फ्रैनी कहती है कि जनरली मैं अपनी विंडो ओपन करके सोती हूँ, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। यहीं पर ये दोनों जब बात कर रहे थे तभी फ्रैनी का एक्स बॉयफ्रेंड उसे उसके अपार्टमेंट के बाहर मिलने के लिए आया। बाहर से ही उसे एक मैसेज भी देता है। फ्रैनी ने इस बात को इग्नोर कर दिया। मलॉय फ्रैनी के घर में बहुत सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा था, ये जैसे कि वो आर्टिस्टिक टाइप है, बहुत सारी चीज़ें लिखती रहती है। फ्रैनी की सिस्टर की फोटो भी उसने देखी। इस सब इन्वेस्टिगेशन के बाद मलॉय अपना नंबर देकर वहां से चला जाता है। फ्रैनी ने मलॉय के बारे में एक चीज़ नोटिस की थी, जो टैटू उस रात बार में इंटीमेट होते हुए आदमी के हाथ पर था, यही टैटू मलॉय के हाथ पर भी है। उसे लगता है शायद वो वही था। रात में उस आदमी को इमेजिन कर वो अपने आप को प्लीज करती है। अगले दिन जब फ्रैनी अपने काम पर जा रही थी तो मलॉय और उसका डिटेक्टिव फ्रेंड ये दोनों उसे रोक लेते हैं। उसे लेट हो रहा था तो उसे ड्रॉप करने वाले थे। मलॉय फ्रैनी से कहता है, जिस रात मर्डर हुआ तुम उस रात उसी बार में थी, क्या तुम्हें कुछ याद है? उन्हें क्रेडिट कार्ड बिल से ये इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। फ्रैनी कहती कि मुझे कुछ भी याद नहीं। मलॉय ने मर्डर के उसे सब कुछ फोटोज वगैरह दिखाए जो बहुत ही डेंजरस थे। फ्रैनी को कुछ भी याद नहीं आता। जिसका मर्डर हुआ था उसे अपने लाइफ में उसने कभी भी नहीं देखा था। जाते वक्त मलॉय फ्रैनी से कहता है, मैं तुम्हें फिगर आउट नहीं कर पाता, क्यों ना हम डेट पर चले? फ्रैनी ने भी इसके लिए हाँ कह दिया। वो फिर अपनी सिस्टर से मिलने के लिए आई। उसकी सिस्टर आज बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। एक्चुअल में उसका एक डॉक्टर के साथ अफेयर था, पर इस डॉक्टर की ऑलरेडी फैमिली थी। अब डॉक्टर की वाइफ को सब चीज़ें पता चली तो डॉक्टर पॉलिन को इग्नोर करने लग गया। पॉलिन ने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, पर डॉक्टर ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा दिया, उसे मिल नहीं सकती। इस ब्रेकअप के बाद वो टूट चुकी थी। फ्रैनी उसे सहारा देती है। कुछ दिनों पहले फ्रैनी का बर्थडे था तो पॉलिन ने उसे एक गिफ्ट दिया। एक ब्रेसलेट है जिस पर अलग अलग चीज़ें बनी हुई है। ये फ्रैनी को बहुत अच्छा लगता है। फ्रैनी ने पॉलिन को मलॉय के बारे में बताया तो पॉलिन कहती है, तुम्हें इस डेट पर जाना चाहिए। फ्रैनी भी फिर मलॉय के साथ बार में आके मलॉय उससे पूछता है, तुम उस रात उस स्टूडेंट के साथ थे, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? फ्रैनी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं। मलॉय ने उसे क्लियर कर दिया, कहता है, तुम्हें जो भी चाहिए वो बनने के लिए मैं रेडी हूँ। अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए तो बनने के लिए रेडी हो, अगर तुम सिर्फ टाइम पास चाहते हो तुम ये भी कर सकते हैं। फ्रैनी फिर इस सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। उसे मलॉय का पार्टनर बहुत ही अजीब लगा था। उसके पास रियल गन नहीं तो वाटर गन लेकर फेरता है। मलॉय ने कहा, मेरे पार्टनर की वाइफ और उसमें झगड़ा हुआ था, वो कभी भी उसे मारता नहीं, पर उसकी वाइफ ने उसकी ट्रॉफीज को तोड़ दिया था। इनकी बात चल ही रही थी तो मलॉय का पार्टनर रिच वहां पहुंच गया। यहाँ इसी बार में एक और लड़की थी जो मलॉय को देख रही थी, तो रिच फ्रैनी के सामने मलॉय को कहता है कि वो तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती है। ये सब बातें फ्रैनी को अच्छी नहीं लगी, वो यहाँ से जाने लग गए। एली से गुजरते वक्त अचानक उस पर किसी ने हमला कर दिया। फ्रैनी जल्दी से जान बचा कर भागी और वो स्ट्रीट पर पहुंच गई। यहाँ पर एक टैक्सी के टकराने की वजह से उसे थोड़ी सी चोट आई, पर अब वो सेफ थी। जब वो घर पहुंची तो मलॉय उसके घर के सामने उसका वेट कर रहा था, उसे सॉरी बोलने के लिए आया हुआ था। जो भी हुआ फ्रैनी ने उसे सब कुछ चीज़ें बताई। फ्रैनी को लग रहा था कि शायद वही आदमी मर्डरर था। मलॉय उसे कहता है कि वो मर्डरर हो नहीं सकता, क्योंकि मर्डरर बहुत ही अजीब तरीके से मर्डर करता है। इसकी डिटेल्स में वो नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बहुत ही घटिया होती है।
मलॉय ने फ्रैनी से कहा कि मुझे बताओ कि उसने तुम्हें किस तरीके से पकड़ा हुआ था। ये दोनों एक्ट करते हैं, तभी मलॉय उसे टच करने लग गया। फ्रैनी और वो फिर इंटीमेट हो जाते हैं। फ्रैनी मलॉय से बहुत ही सरप्राइज थे क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था। उसे पूछती है, तुम इतने एक्सपीरियंस कैसे हो? मलॉय ने कहा कि जब मैं टीनेजर था तो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम किया करता था। एक दिन एक ओल्डर लेडी मेरे साथ इंटीमेट हुई थी, उसने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई थी। एग्जैक्ट ओरिजिन स्टोरी ऑफ जॉनी सिंस। फिर से इंटीमेट होने के बाद फ्रैनी ने अपना ब्रेसलेट नोटिस किया तो उससे एक चीज़ गायब थी, शायद स्ट्रीट में फाइट करते हुए गिर गई होगी। फ्रैनी ने मलॉय से उस मर्डर की रात के बारे में बात की। वो कहता है, उस रात तुम बार के नीचे उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे थे। मलॉय इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। फ्रैनी कहती है, उस लड़की के ब्लू फिंगर नेल्स थे। मलॉय इंटरेस्टेड हो गया क्योंकि उसी लड़की का उस रात मर्डर हुआ था। उसने फ्रैनी से कहा कि तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, तूने विक्टिम को एक आदमी के साथ देखा था, शायद वही आदमी मर्डरर हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रैनी अपनी सिस्टर पॉलिन के साथ हैंग आउट कर रही थी। फ्रैनी को लगता है कि मलॉय उससे झूठ कह रहा था, उस रात उस बार में वही उस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। यही बात करते करते फ्रैनी का एक्स बॉयफ्रेंड कैफे के सामने उसका वेट कर रहा था। फ्रैनी के जाने के बाद वो बेचारा बहुत ही अकेला पड़ चुका है। उसे कॉल करने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है, पर बहुत ही लेट हो चुका था। फ्रैनी अब उसे प्यार नहीं करती। वो अपना डॉग फ्रैनी को देना चाहता था। वो एक्चुअल में डॉक्टर है तो 18-18 घंटे उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। फ्रैनी भी इसके लिए मान जाती है। हम मूवी में फ्रैनी को जिस तरीके से देखते हैं उसे हमें पता चलता है कि फ्रैनी की मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, वो हमेशा थोड़े से डिल्यूजनल स्टेट में रहती है। नेक्स्ट सीन में फ्रैनी का क्लास जब खत्म हुआ तो कॉर्नेलियस उसे देख रहा था। उसकी वुंड को उसने नोटिस किया, उसके लिए वरी करता है। तभी हम देखते हैं कि मलॉय कॉर्नेलियस को ढूंढ रहा था। मर्डर के रात कॉर्नेलियस भी उसी बार में था तो उसे भी वो क्वेश्चन करता है। फ्रैनी पर कल रात जिसने अटैक किया था उसके पास फ्रैनी का वॉलेट है, उसके घर पर आ सकता है, तो इसी वजह से वो 5-6 दिन अपनी सिस्टर के साथ आकर रहती है। उसकी सिस्टर और वो अपने फादर के बारे में बात कर रहे थे। फ्रैनी कहती है, क्या तुम्हें याद है कि हमारे फादर मेरी मदर से किस तरीके से मिले थे? फादर किसी और के साथ एंगेज थे और पार्क में आए हुए थे, वहीं पर उन्होंने मेरी मदर को देखा, उससे उनकी नज़रें हटा नहीं पाए। जिसे वो एंगेज थे उसने भी ये नोटिस किया। उनकी एंगेजमेंट उसी दिन टूट गई थी। तुरंत बाद फादर ने 1-2 घंटे में ही मेरी मदर को प्रपोज कर दिया। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि फ्रैनी के फादर ने 4-5 शादियां की थी। फ्रैनी वंडर करती है कि एक हस्बैंड को पाना कितना डिफिकल्ट होता है। थोड़ी देर में मलॉय ने फ्रैनी को कॉल किया और एक मर्डर हो चुका था। उसे स्टेशन पर आकर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था। मलॉय के पार्टनर ने फिर फ्रैनी को अलग अलग गुंडों की फोटोज दिखाई। फ्रैनी कहती कि उस रात अंधेरा था, उस आदमी को देख नहीं पाई थी। बात करते करते मलॉय का पार्टनर उसे डेट पर लेकर जाना चाहता था। तभी मलॉय यहाँ पर पहुंच गया और फ्रैनी को लेकर जाता है। मलॉय को फ्रैनी बहुत ही अच्छी लगी थी। उसे पूछता है कि प्रपोज करने से पहले कितना टाइम वेट करना चाहिए। फ्रैनी कहती है, मेरी मदर और फादर सिर्फ 1 ही घंटे में एंगेज हो गए थे। मलॉय फिर उसे जंगल में एक नदी के पास लेकर गया। ये जगह देखकर फ्रैनी को लगता है कि मर्डर करने के बाद बॉडी छुपाने के लिए परफेक्ट है। तभी मलॉय ने गन निकाली और पानी में वो शूट करता है। उसे जो भी फ्रस्ट्रेशन हो ये पानी में शूट कर कर वो निकाल देता है। फ्रैनी गन से डर रही थी पर मलॉय ने उसे गन चलानी सिखाई, वो भी प्रैक्टिस के बाद एम करना सीख गई थी। ये दोनों फिर यहीं पर किस करने लगते हैं। ये इंटीमेट होने वाले थे पर मलॉय रुक गया। वो कहता है, दिन रात मेरे माइंड में उसी मर्डर के ख्याल चल रहे हैं, वैसे अपने माइंड से निकाल नहीं पाता। इसके बाद फिर ये दोनों एक कैफे में आए। एक्चुअली मलॉय को ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था और अपने बच्चों के पास उसे कुछ दिनों के लिए जाना था। फ्रैनी को लगता है कि उसे वो पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। मलॉय उसे समझाता है कि मेरे और मेरी वाइफ में कुछ भी नहीं है, जब मेरा और उसका डिवोर्स हुआ तो मैं बर्बाद हो गया था, उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को खड़ा किया है। इन सब बात से फ्रैनी डिस्टर्ब हुई और वैसे ही घर पर आई। घर पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा था। उसके पास अभी भी उसके घर की चाबी थी। वो फ्रैनी से कहता है कि शायद तुम्हारे स्टूडेंट ने मर्डर किया था, पुलिस ने नोटिस किया कि उसने अपना प्रोजेक्ट ब्लड से कंप्लीट किया था। फ्रैनी उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती है तो यहाँ से चली जाती है। वो डायरेक्टली अपनी सिस्टर के पास आई। घर पर उसे कोई भी दिख नहीं रहा था। जब वो बाथरूम गई तो उसे डायरेक्टली उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस को कॉल किया जाता है। मलॉय वहाँ पर पहुँचा उसे सहारा देता है। फ्रैनी उसे कहती है कि जब मैं छोटी थी तो एक दिन मेरे फादर मुझे सिटी में छोड़कर चले गए थे। 5 दिनों तक मुझे कोई भी ढूंढ नहीं पाया था। ये सब बात जब मैंने फ्रैनी से कही तो उसने मुझसे कहा था कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए था, ज़रा एन्जॉय करना चाहिए था। जब भी फ्रैनी किसी हार्ड सिचुएशन में होती थी तो पॉलिन उसे हेल्प करती थी। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी।
फ्रैनी ने पूछा कि उसका मर्डर कैसे हुआ था, उसे जानना था। मुलाय कहता कि मर्डरर ने उसे एक रिंग पहनने के लिए दी, उसके बाद उसने उसका सर काट दिया। फ्रैनी बहुत रोए। उसे फिर मुलाय घर पर लेकर आया। अगले दिन फ्रैनी को मिलने के लिए फिर से उसका स्टूडेंट आया हुआ था। फ्रैनी डिस्टर्ब थी, उसने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया था। तभी उसका स्टूडेंट उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फ्रैनी उसे मना करती है पर उसे फोर्स करने लग गया था। तभी मलॉय का पार्टनर खिड़की से उसे आवाज़ देता है। ये स्टूडेंट फिर गुस्से में वहाँ से चला गया। थोड़े दिनों के लिए मलॉय अपने फैमिली के साथ गया था, तो इसी वजह से उसने अपने पार्टनर को फ्रैनी पर नज़र रखने के लिए कही। कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो फिर से फ्रैनी के पास वापस आया। फ्रैनी उस पर बहुत ही गुस्सा थी, उसे बहुत मारती है। फ्रैनी की हालत बहुत ही ख़राब थी। मलॉय उसे उठाता है, उसे बात वगैरह देता है। फ्रैनी उसे कहती है कि तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना क्या गलत है। उसे अभी भी लगता है मलॉय एक लायर है। इस बात से मलॉय को गुस्सा आ गया। वो कहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, तो इसमें कुछ भी पॉइंट नहीं है। वो गुस्सा कर कर यहाँ से जा रहा था पर फ्रैनी ने उसे रोक लिया। वो रेडी हुए और उसके साथ कहीं बाहर जाना चाहती थी, पर उससे पहले मलॉय के हैंडकप उसने ले लिए, एक पोल से उसे बांध देती है। वैसे उसके साथ वो इंटीमेट हो गए। मलॉय कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, उसे ज़रा अनकंफर्टेबल लग रहा था। अब फ्रैनी जब मलॉय के पॉकेट में चाबी ढूंढ रही थी, तभी उसे अपने ब्रेसलेट का एक हिस्सा उसके पॉकेट में मिला। ये उसके ब्रेसलेट का हिस्सा उस रात स्ट्रीट में फाइट करते हुए गिर गया था। उसे लगता है कि उसे जो मारने की कोशिश कर रहा था ये मलॉय ही था। मलॉय ने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फिर से उसी साइट पर गया था, उसे ये चीज़ मिल गई थी। फ्रैनी सारे डॉट्स कलेक्ट करने लग जाती है। उसने नोटिस किया था कि पॉलिन की घर की चाबी मलॉय के पास थी, पर वो डिटेक्टिव है तो शायद इसी वजह से मर्डर के बाद घर की चाबी उसके पास हो सकती थी। पर सारी चीज़ें उसे मलॉय के पास ही पॉइंट कर रही थी। मलॉय के हाथ पर का टैटू भी वो इग्नोर नहीं कर सकती। वो कन्फर्म हो जाती है कि वही मर्डरर है। मलॉय के हाथ बंधे हुए थे, वैसे उसे छोड़कर वो बाहर निकल जाती है। बाहर आने के बाद मलॉय के पार्टनर से मिली, उसे सब कुछ बात बता देती है। पार्टनर कहता है कि मेरे साथ चलो। मलॉय ने भी इन सारी बातों के बारे में सोचा। उसने और उसके पार्टनर ने एक ही टैटू बनवाया हुआ था, इसका मतलब है उसका पार्टनर सीरियल किलर है। फ्रैनी को मलॉय का पार्टनर एक रिमोट से लाइट हाउस पर लेकर आया। पार्टनर फ्रैनी से कहता है कि मलॉय एक अच्छा ऑफिसर है, वो ऐसा कुछ भी कर नहीं सकता। फ्रैनी ने मलॉय के पार्टनर के हाथ पर टैटू नोटिस किया। वो समझ गई थी कि यही एक्चुअल सीरियल किलर है। वो डर कर रोने लग गई थी। पार्टनर उसे हक कर लेता है। वो कहता है कि डरो मत। वो हमेशा किसी को भी मारने से पहले उसे रिंग देता है। उसी तरीके से फ्रैनी को भी उसने रिंग दी। फ्रैनी को अचानक से याद आया कि उसके पास जो मलॉय का जैकेट है उसमें उसकी गन है। वो गन लेकर इस किलर को मारने की कोशिश करती है, पर इन दोनों में बहुत फाइट हुई। फाइनली उसने उसे मार डाला। मलॉय ने घर पर कब से निकलने की बहुत कोशिश की थी पर वो निकल नहीं पाया था। फैनी घर पर आई और उसे गले लगा लेती है। वो अब उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करती है। यही पर ये मूवी एंड हो गई। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा।